वित्तीय शक्तियां लेने के विरोध में नगर परिषदों और नगर पालिकाओं के अध्यक्षों ने कट्टर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस विषय को लेकर नगर परिषदों और नगर पालिका के अध्यक्षों के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता से चर्चा हुई है। गुहाना नगर परिषद के अध्यक्ष रजनीश ने स्पष्ट कर दिया कि यह हमारे मान सम्मान की लड़ाई है और इस लड़ाई को वो आखिरी दम तक लड़ेंगी। उन्होंने कहा कि हमें वित्तीय शक्तियां ना दी गई तो हम पार्टी पद से इस्तीफा दे देंगे। इस बारे में रजनी से खास बातचीत की हमारे ब्यूरो चीफ अनिल कुमार ने। वित्तीय शक्तियां लेने के विरोध में आज नगर परिषद और नगर पालिका के अध्यक्षों ने चेतावनी दी है कि वो अपना इस्तीफा दे देंगे अगर उनको वित्तीय शक्ति वापस ना दी गई। इस समय मेरे साथ हैं गोहाना नगर परिषद की चेयरपर्सन रजनी, इनसे जानते हैं कि वो इस्तीफा क्यों दे रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का प्रावधान है, उन्होंने नगर पालिका नगर परिषद के अध्यक्ष की डीडी पावर छीनने का डिसीजन लिया है, तो इसके लिए हमारे विश्वास को कम करने का काम किया जा रहा है, हमारी ताकत को कम करने का काम किया जा रहा है। बल्कि ये डायरेक्ट चुना हुआ है, पार्टी ने हमें टिकट दी है और जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, और बल्कि हमारी पावर को बढ़ाने की बजाय हमारे हाथ काटने का काम किया जा रहा है। तो आज सभी नगर परिषद नगर पालिका के अध्यक्ष यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि इस नोटिफिकेशन को वापस लिया जाए, हमारी डी डी पावर को वापस दिया जाए, नहीं तो हम पार्टी से इस्तीफा देंगे। मैडम, आपकी मुलाकात भाजपा अध्यक्ष से भी हुई है, इसके साथ साथ कमल गुप्ता से भी हुई है, तो उनसे क्या बातचीत हुई है? प्रदेश अध्यक्ष धनखड़ जी और मंत्री कमल गुप्ता जी ने आज हमें विश्वास दिलाया। उन्होंने बहुत अच्छे से मीटिंग की और उन्होंने आश्वासन दिया कि वो हमारी बात को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी तक रखेंगे और इस मामले को सॉर्ट आउट कराएंगे। लेकिन नगर पालिका नगर परिषद के अध्यक्ष सब ने ये सोच लिया है और आज ठान कर पहुंचे हैं, सबके हाथ में रिजाइन लेटर है। अगर हमारी बात को पूरा नहीं किया गया, अगर हमें पावर नहीं दी गई, हम अपनी पार्टी से इस्तीफा देंगे। मैडम, अगर सरकार आपको वित्तीय शक्तियाँ नहीं देती तो कब तक आप इस्तीफा सौंप दोगे? मैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से कहना चाहूँगी कि जिस विश्वास के साथ हमें टिकट दी गई, हम जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं और जनता का विश्वास हम पर और बढ़ गया है। अगर हमसे पावर ले ली गई तो हम उस उम्मीद के साथ काम नहीं करा पाएंगे, जनता के बीच में नहीं उतर सकेंगे। हमारी ये लड़ाई हमारे मान सम्मान की लड़ाई है और हम इस लड़ाई को आखिरी दम तक लड़ेंगे। अगर हमारी बात को पूरा नहीं किया गया तो हम पार्टी से इस्तीफा देंगे और अपनी लड़ाई को जीत कर रहेंगे। ये थी मेरे साथ गोहाना नगर परिषद की चेयरपर्सन रजनी। इन्होंने बताया कि नगर परिषद के चेयरमैन और नगर पालिकाओं के चेयरमैन से वित्तीय शक्ति सरकार ने ले ली है और जब तक वित्तीय शक्तियां उनको वापस नहीं मिल जाती तब तक वो सरकार का विरोध करेंगे और पार्टी से भी इस्तीफा दे देंगे। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।